कराची में जब से चिंची रिक्शा मुतारिफ हुआ है इसके बाद से हादसात की तादाद में इजाफा हो गया है। रिक्शा ड्राइवर ज़्यादातर कम उम्र नौजवान बगैर लाइसेंस और कागजात के रिक्शा सड़कों पर दौड़ाते नज़र आते हैं। इतने बड़े मेगा सिटी में चिंची की आमद हैरतअंगेज़ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये एक माफिया बन चुका है। इससे पहले मजदा बसें आवाम के साथ बेदर्दी का सलूक कर रही थीं, लेकिन अब कराची में चिंची माफिया का राज है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद चिंची माफिया मनमाने कराए आवाम से वसूल करते हैं। दूसरी जानिब एलआर न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बदकिस्मती के साथ ट्रैफिक पुलिस में मौजूद काली भेड़े चिंची माफिया से हफ्तावार 5,000 और रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से 300 रुपये बतौर भत्ता वसूल करते हैं। औरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी पर यह गैर कानूनी रिक्शे चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके पीछे किसी सियासी जमात या जागीरदारों या वडेरों का हाथ है।